नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टाफ नर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ये पार्ट टू है, इसका पार्ट वन ज़रूर देखें। लेट्स बिगिन। मैक्सिमल एक्सपायरेशन के दौरान फेफड़ों द्वारा एक्सपेल की गई एयर का लार्जेस्ट वॉल्यूम क्या कहलाता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इरिक्सन के द्वारा दी गई स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अनुसार आइडेंटिफाई वर्सेज रोल कन्फ्यूजन किससे संबंध रखता है? एडोलोसेंट। लेप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों का होता है? 5 years। लेप्रोसी को हम हैंसन्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे द्वारा होता है। मुख्य रूप से सिलिकोसिस डिजीज द्वारा ग्रसित लोगों का समूह कौन सा है? ऑक्यूपेशनल वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, मैकेनिकल वर्कर्स, इनमें से कोई नहीं। सिलिकोसिस डिजीज ऑक्यूपेशनल वर्कर्स को प्रभावित करता है। सिलिकोसिस सिलिका डस्ट के इन्हेलेशन से होने वाला डिजीज है। लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज चेंज इन बिहेवियर, सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज चेंज इन बिहेवियर। दिस आंसर इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गिवन बाय मूर्ति। द डेफिनेशन इज लर्निंग इज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर दैट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कौन सा है? एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूशन, फोटोथेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी, एंटीबायोटिक थेरेपी। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट के द्वारा शरीर में बढ़े हुए बिलिरुबिन लेवल को कम किया जाता है। फोटोथेरेपी प्रोसीजर के दौरान बेबी को स्पेशल टाइप की लाइट में एक्सपोज किया जाता है, जो कि बेबी की स्किन द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। किसी 2 हफ्ते के इन्फेंट को यदि हाइड्रोसिफेलिस डिजीज है तो इसका अर्लीस्ट साइन कौन सा होगा? सनकन आइज, हाई पिच्ड श्रिल क्राई, इंक्रीज इन हेड सर्कमफ्रेंस, बल्जिंग एंटीरियर फंटैनल। सही जवाब है ऑप्शन डी, बल्जिंग एंटीरियर फंटैनल। हाइड्रोसिफेलस डिजीज कंडीशन में एबनॉर्मल CSF प्रोडक्शन होता है और एबनॉर्मल CSF प्रोडक्शन के कारण एबनॉर्मली CSF ब्रेन में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, जिसके कारण बेबीज में हेड साइज इंक्रीज हो जाता है। निम्न में से किसमें वेटर स्टिप पोजीशन देखी जाती है? बेल्स पैल्सी, फेशियल पैल्सी, इब्स पैल्सी, कंजनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप। द राइट आंसर इज इब्स पैल्सी। वेटर स्टिप पोजीशन इज सीन इन इब्स पैल्सी। वेटर स्टिप पोजीशन में हाथ नीचे लटक कर पीछे की ओर मुड़ जाता है। यह मुख्यतः C5-C6 स्पाइनल सेगमेंट नर्व्स में इंजरी के कारण होता है, जिसका मुख्य कारण डिस्टोशिया या डिफिकल्ट बर्थ होता है। निम्नलिखित में से उस ऑप्शन का चुनाव कीजिए जो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स में से एक नहीं है। मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वेरिएंस। मीन, मीडियन, मोड
सेंट्रल टेंडेंसी मेजरिंग में इंक्लूडेड हैं। प्लेसेंटा की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी है, कॉरियन या एमनियन? राइट ऑप्शन इज कॉरियन। व्हाट इज पिटैकी? पिटैकी क्या है? ब्लैकिश कलर्ड मोल्स अराइजिंग फ्रॉम द नेवी, टाइनी पर्पलिश रेड स्पॉट्स विजिबल अंडर द स्किन, पर्पलिश टाइनी नोड्यूल्स यूजुअली अपीयरिंग ओवर द फीट एंड लेग्स, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टाइनी पर्पलिश रेड स्पॉट्स विजिबल अंडर द स्किन। ट्वींस के केस में मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन कौन सा होता है, बोथ ब्रीच, बोथ वर्टेक्स, वन वर्टेक्स वन ब्रीच या नन ऑफ द अबव? ऑप्शन बी, बोथ वर्टेक्स इज अ कॉमन प्रेजेंटेशन इन केस ऑफ ट्वींस। डायबिटिक क्लाइंट द्वारा हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन होने पर मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस किए जाने वाला सिम्टम कौन सा है, नर्वसनेस, एनोरेक्सिया, कॉस्मल्स रेस्पिरेशन, ब्रेडिकार्डिया? सही जवाब है ऑप्शन ए, नर्वसनेस। अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को खोकर साइकाइट्रिक हॉस्पिटल से निकल बाहर इधर उधर वंडरिंग करना क्या कहलाता है, फ्यूज या स्प्लिट पर्सनालिटी? ऑप्शन ए, फ्यूज। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को किसके द्वारा स्टरलाइज नहीं किया जाना चाहिए, ऑप्शन ए ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन बी बॉइलिंग, ऑप्शन सी हॉट एयर ओवन, ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन? द राइट आंसर इज बॉइलिंग। रिसर्च थीसिस का ब्रीफ ओवरव्यू क्या कहलाता है, पेपर, कॉन्सेप्ट पेपर, समरी, एब्स्ट्रैक्ट? सही जवाब है एब्स्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से उस प्रोसीजर को चुनिए जिसमें रेडियो आइसोटोप को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ऑप्शन ए रेडियोग्राफी, ऑप्शन बी पीईटी? सही जवाब है पीईटी। पीईटी का फुल फॉर्म है पॉसिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। वह रिटन स्टेटमेंट जो कि ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्क असाइनमेंट्स के बारे में बताता है क्या कहलाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब एनालिसिस, सेल्फ अप्रेजल? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जॉब डिस्क्रिप्शन। गैलोस ट्रैक्शन का उपयोग होता है फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर, फ्रैक्चर्ड नेक ऑफ फीमर में? गैलोस ट्रैक्शन का उपयोग फ्रैक्चर्ड शाफ्ट ऑफ फीमर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। गैलोस ट्रैक्शन को हम ब्रायंस ट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। गैलोस ट्रैक्शन का उपयोग मुख्यतः 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे या वह बच्चे जिनका वजन 12 किलो से कम है के लिए होता है। इन दिस ट्रैक्शन बटक्स आर स्लाइटली एलिवेटेड फ्रॉम द मैट्रेसेस विथ बोथ लेग सस्पेंडेड वर्टिकली एंड 90 डिग्री हिप फ्लेक्शन। किसी व्यक्ति में बॉडी मास इंडेक्स को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, वेट इन किलोग्राम्स अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर?
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा होता है? राइट आंसर इज विटामिन डी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो एवरीवन. प्लीज क्लिक अपॉन द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़.